बिजनेसमैन रिटायर नहीं होते बल्कि वो मरते हैं। ये बात 2016 में आउटलुक से बात करते हुए कैफे कॉफी डे यानी कि सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने कही थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब सीसीडी अपनी सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर गोते लगाने लगा था। किसे पता था कि इस इंटरव्यू के ठीक 3 साल बाद सीसीडी नाम के पॉपुलर ब्रांड के मालिक वीजी सिद्धार्थ नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। सिद्धार्थ की मौत के बाद सबको ये लगा कि सीसीडी की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका ने हार नहीं मानी और सीसीडी को एक नए सिरे से शुरू किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे वीजी सिद्धार्थ 8000 करोड़ की सीसीडी कंपनी के मालिक बने और सिद्धार्थ ने सीसीडी की शुरुआत से लेकर टॉप तक पहुंचने में किन किन उतार चढ़ाव का सामना किया। सिद्धार्थ ऐसी किस समस्या में फंसे कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी पत्नी मालविका हेगड़े किस तरह से इस डूब रही सीसीडी कंपनी को बचा रही है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कर्नाटक का चिकमंगलूर वेस्ट घाट में बसा है, यहाँ हिल स्टेशन भी है। यहीं रहने वाले गंगैया हेगड़े कॉफी बगान के मालिक थे। सन 1956 में गंगैया को एक बेटा हुआ जिनका नाम था वीजी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंगलुरु यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करना चाहते थे, जबकि उनके पिता ये चाहते थे कि वो कोई नौकरी करे। जिद करने पर उनके पिता ने 5 से 7 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए सिद्धार्थ को दिए। इस पैसे से सिद्धार्थ ने एक प्लाट खरीदा। 1983 में यानी कि 1983 में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ी कंपनी में 2 साल तक उन्होंने काम किया। नौकरी में मन नहीं लगा तो सिद्धार्थ मुंबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु आ गए, जहां सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी वो चलाने लगे। इस कंपनी से होने वाले मुनाफे से सिद्धार्थ ने कई कॉफी बगान खरीद लिए। 1992 तक करीब 3000 एकड़ में फैले कॉफी बगान सिद्धार्थ ने खरीद लिए। 1992 में हर्षद मेहता स्टॉक घोटाला सामने आने के कुछ दिनों पहले ही वीजी सिद्धार्थ ने अपना सारा पैसा स्टॉक से निकाल लिया था। घोटाला सामने आने के बाद अच्छे अच्छे कारोबारी पिट गए। स्टॉक से कमाए पैसे से सिद्धार्थ ने कॉफी के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम से एक कंपनी की उन्होंने शुरुआत की। सिद्धार्थ अपने कॉफी के बिजनेस को और आगे तक ले जाना चाहते थे। इस बिजनेस में उनकी दिलचस्पी होने की बड़ी वजह उन्हें विरासत में मिला उनका ये काम और खुद बड़ा कॉफी उत्पादक होना था। 11 जुलाई 1996 को बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर सीसीडी का पहला सेंटर खुला। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए शुरुआती निवेश के तौर पर सिद्धार्थ ने जुटाए थे। 25 रुपए में एक कप कॉफी शुरू में सीसीडी में मिला करती थी। चाय पीने के शौकीन भारतीय लोगों को कॉफी का चस्का लगाने का काम सही मायने में वीजी सिद्धार्थ ने ही किया था। वीजी सिद्धार्थ की कंपनी कॉफी डे इंटरनेशनल साल 2000 में काफी प्रॉफिट में थी। साल 2015 में कंपनी ने शेयर मार्केट में आने का फैसला किया। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक मार्केट में आने के समय शुरुआती प्राइस 328 रुपए रखा, लेकिन लोगों ने 207 रुपए तक कंपनी के शेयर की कीमत तय की। इस तरह कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा वीजी सिद्धार्थ ने रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, आईटी क्षेत्र के बिजनेस में भी हाथ आजमाया, जहां उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। वीजी सिद्धार्थ की समस्या 2017 में तब बढ़ गई जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में जांच की शुरुआत की। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी सिद्धार्थ की कंपनी कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाई। तमाम तरह के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने काफी ज्यादा कर्ज ले लिया। 2019 में वीजी सिद्धार्थ की कंपनी 6,550 करोड़ रुपए के कर्ज में चली गई। इस कर्ज को तोड़ने के लिए माइनिट्री नाम के आईटी कंपनी के 20% शेयर सिद्धार्थ ने बेच दिए। इससे करीब 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज वीजी सिद्धार्थ ने खत्म कर दिया। इसके बाद भी 3,300 करोड़ का कर्ज बाकी था। इसी कर्ज की वजह से वीजी सिद्धार्थ ने जुलाई 2019 में नेत्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, पति वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े के सामने कई चुनौतियां आने लगी। उन्हें खुद को और अपनी कंपनी को दोनों को संभालना पड़ा। सिद्धार्थ की मौत के 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को कंपनी के सीईओ पद की कमान मालविका हेगड़े ने अपने हाथों में ली।
उन्होंने ठान लिया कि सीसीडी के खोए हुए रुतबे को वे फिर से वापस लाएगी। साल 2019 में कंपनी पर 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें कुछ कर्ज सिद्धार्थ ने खत्म कर दिया। अब बाकी कर्ज चुकाए और कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मालविका के कंधे पर थी। वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद मालविका हेगड़े मीडिया की निगाहों में आई, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि वो कर्नाटक के सीएम रह चुके एसएम कृष्णा की बेटी भी है। उनकी माँ प्रेरणा कृष्णा कर्नाटक की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रह चुकी है। साल 1969 में जन्मी मालविका कृष्णा हेगड़े ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। साल 1991 में उन्होंने वीजी सिद्धार्थ से शादी की थी। सीसीडी के बिजनेस में आने से पहले ही दोनों की शादी हो गई थी। दोस्तों, कर्ज किसी भी कंपनी के प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा होती है। ऐसे में मालविका के सामने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इस कर्ज को उतारना आसान नहीं था। मालविका हेगड़े की मेहनत और लगन से कंपनी पर अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ही रह गया है। हाल ही में कंपनी के शेयर में 50% का इजाफा भी दर्ज किया गया, जिसे कंपनी के रिवाइवल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का कर्ज चुकाने में कोरोना महामारी ने भी बड़ी और अहम भूमिका निभाई। दरअसल कोरोना काल में सीसीडी कई कंपनियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही। मालविका हेगड़े के नेतृत्व में सीसीडी ने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया। इसी का परिणाम है कि अब इन्वेस्टर्स कंपनी में एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करने लगे। अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ मालविका ने सीसीडी और वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज कंपनी का बिजनेस एग्रीमेंट किया। उम्मीद है कि कंपनी मालविका के नेतृत्व में जल्द ही एक बार फिर से पहले की तरह ऊंचाइयों को छुएगी।